बरवा बरौली के DK11 ने जीता क्रिकेट कप। दानिश 11 को 7 विकेट से किया पराजित। नरकटियागंज से अमित कुमार बर्णवाल की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के बरवा बरौली गांव में हो रहे क्रिकेट मैच में दानिश 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में डीके 11 के सामने जीत के लिए 137 का लक्ष्य दिया। डीके 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट गंवाकर 7 विकेट से मैच को जीत लिया। 7 दिवसीय यह टूर्नामेंट काफी रोमांचक रहा। इसके पहल सेमीफाइनल में सेंट स्टीवन बनाम यूनिक 11 के बीच हुआ। दूसरा सेमीफाइनल डीके 11 बनाम सुबू 11 के बीच खेला गया। फाइनल मैच में सेंट स्टीवन तथा डीके 11 में हुआ, जिसमें दानिश 11 ने यह मैच जीत लिया और टूर्नामेंट के विजेता को 30,000 रुपये तथा उप विजेता को 12,000 रुपये पुरस्कार के रूप में मिला। उस टूर्नामेंट को सफल बनाने में बरवा बरौली क्रिकेट क्लब के सबुल हक उर्फ नन्हे, सऊद आलम, मोतीउर रहमान उर्फ बंती, फयाज अहमद, तनवीर आलम, शकील अहमद, इमरोज आलम, महताब आलम, सैफुल्ला आलम, अफरान हुसैन उर्फ नन्नू ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरस्कार का वितरण मुख्य अतिथि डॉक्टर जहूर इकराम करते हुए बरवा बरौली क्रिकेट क्लब को बधाई दी। विशिष्ट अतिथि कौसर मुखिया तथा शौकत अली ने सभी आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। News 9 Times। अभी जो यहाँ पे आयोजन हुआ था क्रिकेट टूर्नामेंट का, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? और दोनों जो प्लेयर यहाँ पर खेले, दोनों टीम के प्लेयर खेले, उनके बारे में क्या कहिएगा? अपने दर्शकों के बारे में बताइए और अपने जो कमेटी, जो आपका कमेटी है, उस कमेटी के बारे में ही आप बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, अपने पूरे पंचायत और पूरे दर्शक को बताइए। जो मेरे कमेटी मेंबर हैं, इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से आयोजित किया, बहुत अच्छे से उसका एंड हुआ। आज जो दो टीमें फाइनल में पहुंची थी, डीके 11 और दानिश 11, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पीड ऑफ द गेम को मेंटेन किया, एम्पायरिंग भी बहुत अच्छा हुआ और दर्शकों ने बहुत सपोर्ट किया और दोनों टीम के दर्शक यहाँ पे मौजूद थे और दोनों टीम को सपोर्ट मिला और दोनों टीम बहुत खुशी खुशी यहाँ से गए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, आप न्यूज़ चैनल से आए हैं, जर्नलिज्म करते हैं आप लोग, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई मतभेद नहीं हुआ, दोनों टीम खुशी खुशी गई, दर्शक भी खुशी खुशी, एम्पायर खुशी खुशी, जो हमारे चीफ गेस्ट आए थे सब अच्छे से अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से गए और समापन बहुत अच्छा से हुआ। अच्छा, आपके जो कमेंटेटर थे, तो कमेंटेटर के बारे में आप क्या कहिएगा? क्या क्योंकि हम लोग देखे यहाँ पर आपका जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। एक ग्रामीण क्षेत्र में कमेंट्री करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो कमेंट्री कर रहे थे उनकी कमेंट्री करने की क्वालिटी बहुत हमें अच्छा लगे, उस बारे में अपने कमेंटेटर के बारे में आप कहिएगा? हमारे जो कमेंटेटर हैं बहुत एक्सपीरियंस है, वो जगह जगह टूर्नामेंट होता है वहाँ पर जाकर कमेंट्री करते हैं, इसलिए उन लोग एक्सपीरियंस और इसलिए उनको वो हमेशा अच्छा कमेंट्री करते हैं और उनको बोलने के बहुत अच्छी तरीका पता है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जहूर अकरम, सन ऑफ डॉक्टर जहूर अकरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस संबंध में क्या कहिएगा? देखिए, हमारे जो गांव के जितने भी दर्शक गण हैं उसने प्रॉपर हम लोगों को सपोर्ट किया, हमारे कमेटी टीम को सपोर्ट किया, हमारे गांव के जितने भी प्रतिनिधि थे प्रॉपर आके सपोर्ट किए, जिसके वजह से प्रॉपर ढंग से इस मैच को हम लोग कंप्लीट किए और बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग के प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला है। स्टार्टिंग टू एंड कहीं भी कोई गलती नहीं हुई। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया इस मैटर पे कि एम्पायर कुछ गलत खिला रहे हैं, लेकिन अंततः देखने के बाद ये पता चला कि ऐसा एम्पायरिंग इस एरिया के आजू बाजू कहीं नहीं हुई थी। तो हमारे दो बेस्ट एम्पायर डॉक्टर जावेद अकरम और आफाक हुसैन, इन्होंने वाकई सराहनीय एम्पायरिंग कराई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी हुआ, मैं बरवा बरौली के पिच से आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जो अभी जो टीम के विजेता उनको क्या आपके तरफ से क्या पुरस्कृत किया गया? देखिए, दोनों टीम स्ट्रॉन्ग थी, डीके 11 के फील्डिंग के बनिस्बत उसने इस टीम को, इस मैच को जीता। जो दानिश 11 थी उसने भी अच्छा किया, रन तो अच्छा था ये टाइगर स्पिन से, लेकिन डीके 11 जीत हासिल की वो सिर्फ अपने बैटिंग और फील्डिंग के बनिस्बत। धन्यवाद। मेरा नाम है मिस्टर ब्रिजेश कुमार। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आपको कमेंट्री करने का शौक है कि कहीं से सीखे हुए हैं? पहले तो सर हम बच्चे जब खेलते थे तो अपने मोबाइल को ऐसे रिकॉर्ड किया और फिर बाद में पूरा अपने आवाज़ को खूब मैंने अलग जाकर सुना। उसके बाद में एक टूर्नामेंट खेला गया था खजुरिया, जहाँ गोखला स्टेशन के पास, वहाँ से हमने बोलना शुरू किया। उसके बाद घरेलू मैचों में हमने बोला और हिंदुस्तान के धरती के साथ साथ हम ओमान के धरती में भी ग्राउंड में
सुल्तान खाबूस स्टेडियम उसमें भी किए हैं और यहीं तक आप लोग का सबका दुआएं मेरे साथ है। कहीं भी बोल लेते हैं, किसी से डरते नहीं कोई भी लैंग्वेज बोलने में। और जहाँ तक रही मैच की, कोई भी शब्द हो हम गलत यूज नहीं करते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो इंशाल्लाह और भगवान की रहमत से हम अच्छा कमेंट्री कर लेते हैं हर जगह पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मिस्टर ब्रिजेश कुमार पासवान। अच्छा, अभी आपने बोला कि कमेंट्री करने में हमें किसी से हम डरते नहीं, कमेंटेटर तो इसमें डर और निडर की तो कोई बात नहीं है इसमें, फिर डरने की बात कहाँ से आ गई कमेंटेटर के अंदर? एक होता है कि दर्शक आकर दबाव देते हैं तूने ऐसा बोला क्यों, लेकिन हम ऐसा शब्द का यूज ही नहीं करते हैं, हम किसी से डरे हैं। जो भी डिसीजन देने के बाद कोई भी शब्द का यूज करते हैं जो सराहनीय है, और वो अच्छा डिसीजन देने के बाद हम वही बोलते हैं जो मुझे बोलना चाहिए। अभी आपने बोला कि दर्शक के अनुसार कमेंटेटर जो स्पॉट पर देखता है वह कमेंट्री करता है कि दर्शक का दबाव कमेंट्री करता है? नहीं, जो स्पॉट पर हम देखते हैं एम्पायर के डिसीजन के बावजूद यहीं से हम बोलते हैं जो डिसीजन होता है। आंखों देखा बोलते हैं कि किसी के कहने पर बोलते हैं? नहीं, हम आंखों देखाल बोलते हैं और ना गलत बोलते हैं ना गलत कभी बोलना हम सीखे भी हैं, ना कभी भगवान की मर्जी से बोलेंगे भी नहीं। बोलेंगे कि बोलेंगे नहीं? नहीं, कभी बोलेंगे गलत नहीं, बोलेंगे। सही किसी बात। बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस ग्रामीण क्षेत्र में एक उभरते हुए कमेंटेटर के रूप में दिखाई दिए, और आपके साथ जो सहयोगी थे कमेंटेटर थे उनका भी अच्छा स्पीच था, इससे हम लोग को अच्छा लगा यहाँ पर। और दर्शक भी आप लोगों के कमेंट्री से भी बहुत खुश थे, क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेट के मैदान में कमेंटेटर आधा ही खिलाड़ी होते हैं ना, तो उसी तरह आप लोग आधा हैं। लेकिन आपसे कहना है, जिस तरह से ये बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन हुआ ग्राम बरवा बरौली में, और हमारे जो मुख्य एम्पायर रहे हैं जावेद इकराम साहब, उनके साथ साथ आफाक आलम और सभी कमेटी वाले जितना भी सहयोग किए हैं इस फील्ड को सजाने में और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जो 20 ओवर का जो मैच खेला है बरवा बरौली गांव में, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अगर क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है, और हम लोगों से या कमेटी से या इस क्षेत्र के जो भी निर्वाचित अधिकारी हैं उनसे जो सहयोग चाहिए वो ले सकते हैं। अभी भारत सरकार खेल के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है और आगे खेलने का मौका दे रही है, और युवाओं को आगे आके इस खेल को खेलना चाहिए और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहिए। कितने ओवर का खेल हुआ है? ये 20-20 ओवर का मैच खेला गया था। कितने रन से आप लोग जीते हैं? हम लोग 7 विकेट से जीते। 7 विकेट। आपका जीत का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे था? जीत का टर्निंग पॉइंट हमारे बल्लेबाज दो अच्छा सरदारी कर दिए थे मुकेश और राजकुमार के बीच, जो 70 रनों के बीच सरदारी हुआ था, वो दोनों अच्छा खेला और हम लोग आसानी से मैच जीते। कहाँ की टीम है आपकी? हम लोग का DK11 भवानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह। धन्यवाद।